मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंदर सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स, विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल। नाउ टुडे वी विल कैरी ऑन चैप्टर नंबर सेकंड, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th कॉमर्स। नाउ द अगेन द नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन द टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर्स आस्क द क्वेश्चंस ऑन द टेलीफोन। टेलीफोनिक इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड इन द शॉर्ट टाइम। छोटे से ही अंतराल में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये बहुत अच्छा मेथड है आज के ज़माने में। सूटेबल रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू द आंसर्स। कई बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका बहुत क्रोध से आंसर आते हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा ठीक रहता है। उससे डायरेक्टली मतलब हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंडक्टेड इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। शॉर्टर ड्यूरेशन है तो ठीक है, फ़ोन पर पूछ लिया बात, मोबाइल पर पूछ लिया। रेस्पोंडेंट ऑन टेलीफोन कनेक्शंस। अब रेस्पोंडेंट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए, खुद का टेलीफोन नंबर होगा तभी तो उससे पूछेंगे। मेरिट्स इकोनॉमिकल है, बहुत इकोनॉमिकल है, फ़ोन करना है और बात करनी है। वाइड कवरेज, फ़ोन पे हम हज़ारों लोगों से बात कर सकते हैं, कम समय में बात कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों पर काम कर सकते हैं। हाई रेस्पॉन्स रेट, द मेथड इंश्योर्स हाई रेस्पॉन्स रेट इन द केसेस वेयर द रेस्पॉन्स आर रिलक्टेंट। हाई रेस्पॉन्स रेट है टेलीफोन की, टेलीफोन ही तो करना है, उसको उठाना है, जवाब देना है। लिमिटेड यूज। नाउ द रेस्पोंडेंट डू नॉट ओ टेलीफोन, दिस मेथड वुड बी लेस यूजफुल। बहुत कम यूजफुल है, जब टेलीफोन ही नहीं है तो क्या जवाब देगा वो। रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, सिर्फ आवाज़ आता है मोबाइल से। अब आवाज़ से क्या समझेंगे हम, उसके फेस पे गेस्चर्स क्या है, रिएक्शंस क्या हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं क्या क्या सोच रहा है वो, किस तरह के इमोशंस हैं उसके चेहरे पे। बायस्ड, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर्स इज बायस्ड देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पोंडेंट। अगर पक्षपात हुआ है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा तो आप किस तरह की भी इंफॉर्मेशन जमा करा सकते हैं, मैनेजमेंट को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नाउ मेरिट ऑफ कलेक्शन द सेकेंडरी डाटा। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिशेस द करंट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टैटिस्टिकल यूज। जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडियन ट्रेड जर्नल, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट भी अपने डाटाज अवेलेबल कराती है लोगों की भलाई के लिए। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, म्यूनसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटियंस काउंसिल्स पब्लिश इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग हेल्थ, बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन। सेमी गवर्नमेंट भी मेट्रोपॉलियंस हैं, काउंसिल्स हैं और मेयर्स हैं, निगम हैं, ये लोग भी डाटाज अवेलेबल कराते हैं लोकल ग्राउंड पे, हेल्थ के संबंध में, बर्थ के संबंध में, डेथ के संबंध में। रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशन, वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर केस स्टडी एंड सजेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस बनाती हैं सर्वे करने के लिए, ताकि हम गवर्नमेंट को नए सजेशंस दे सकें आगे भविष्य के लिए। पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैटिक्स फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिक ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गेटिंग द वेरी बिग सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटास। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पूरी दुनिया भर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें डाटा अवेलेबल करा रहे हैं जो रिसर्च उन्होंने किया है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, द ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैव देयर रिसर्च एंड इट्स स्टैटिस्टिकल डिविजन्स विच कलेक्ट द पब्लिश डाटा। और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस भी हमें डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स मंथली जर्नल्स हैं ट्रेड की, कॉमर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, तो उससे भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। न्यूज़पेपर से फ़ायदा मिल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स से फ़ायदा मिल रहा है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही हैं। एनुअल रिमोट्स, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है उससे भी हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। अनपब्लिश सोर्सेज डेटा, समटाइम्स द रिसर्च स्कॉलर्स
यूनिवर्सिटीज, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, लेबर ब्यूरोस, ट्रेड डाटा कलेक्शंस बट नॉट पब्लिश। तो ये पब्लिश नहीं करते हैं लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबर ब्यूरोस हैं, ये भी अपने डाटा मेंटेन करते हैं लेकिन पब्लिश नहीं करते हैं। नाउ लिमिटेशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा, देयर मे नॉट हैव करेक्टेड प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, सही तरीके से टेक्निक को यूज़ नहीं किया गया है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के चक्कर में, तो हमारा डाटा भी खराब हो जाएगा। दीज मे नॉट बी सुटेबल फॉर कंसर्न इंक्वायरी, हो सकता है कि किसी खास इंक्वायरी के लिए वो सुटेबल ना हो, जिस तरह की इंक्वायरी हमें चाहिए वैसी इंक्वायरी हम कर नहीं सकते। दीज मे रिलेट टू द प्रेजेंट टाइम्स, प्रेजेंट टाइम्स से रिलेटेड ना हो, पुराने ज़माने की रिपोर्ट्स हों। दे मे नॉट हैव बीन कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स, रीजनेबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया गया है। दीज में बायस, पक्षपात किया गया है। प्रिकॉशंस इन सेकेंडरी डाटा, कॉम्पिटेंस ऑफ कलेक्टिंग द एजेंसीज, एजेंसी को सही इस्तेमाल किया गया है, एजेंसीज ने जो इस्तेमाल इंफॉर्मेशन दी है वो रिलायबल है, ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए। सूटेबल ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कवर होना चाहिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही कवर नहीं हो रहा है, हमारा स्कोप ही कवर नहीं हो रहा, तो ऐसे डाटा से क्या फ़ायदा है। मेथड ऑफ कलेक्शन, द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी यूज्ड बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर्स, शुड मैच द नेचर ऑफ प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हम इंक्वायरी से मैच खाना चाहिए। कंडीशन ऑफ कलेक्शन, द इन्वेस्टिगेटर्स शुड स्टडी कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंडीशंस भी देख लेनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, कहीं वॉर का समय तो नहीं है, इमरजेंसी का समय तो नहीं है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ डाटा शुड बी कैप्ट इन द माइंड, और डाटा का जो एक्यूरेसी है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। अवेलेबल डाटा डू नॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड लेवल ऑफ, कई बार वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी सही नहीं होती है, फिर भी हमें ध्यान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें।